ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देख रहे हैं न्यूज 18 पुनीत के साथ। तो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। ईरान के एक सांसद ने दावा किया है कि मई में इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर में तेजर ब्लास्ट हुआ था और इसके बाद हेलीकॉप्टर जंगल में गया और क्रैश हो गया, जिसमें रईसी की जान चली गई। ईरानी सांसद ने यह दावा ऐसे वक्त में किया है जब पिछले हफ्ते लेबनान में एक साथ 1000 पेजर ब्लास्ट हुए और अगले ही दिन वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ, जिसमें हिजबुल्लाह के कम से कम 39 लड़ाके मारे गए और 3000 के आसपास लोग घायल भी हो गए। लेबनान और ईरान जैसे देशों ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इसराइल ने इन ब्लास्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है, और ठीक वैसे ही जैसे लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी के धमाकों के बाद भी इसराइल खामोश है, ठीक वैसे ही जैसे इस्माइल हनिये की हमले में हुई मौत के बाद भी इसराइल खामोश रहा। हनिये हमास का कमांडर था। ईरानी राष्ट्रपति की मौत के मामले में क्या नया खुलासा हुआ है, ये आपको बताते हैं। दरअसल ईरानी सांसद के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के मेंबर अहमद बख्शीश अर्शदियन ने ईरानी मीडिया आउटलेट दिदबान ईरान से बात करते हुए कहा कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे ये आशंका भी है कि पहले उनके पेजर में ब्लास्ट हुआ और फिर हेलीकॉप्टर उसकी चपेट में आ गया। अर्शदियन ने कहा कि रईसी भी पेजर का इस्तेमाल करते थे, हालांकि वो जिस तरह का पेजर यूज करते थे वो हिजबुल्ला के लड़ाकों से संभवतः अलग था, लेकिन यहां ये जानना जरूरी है कि जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुआ वो हिजबुल्ला के पास पहुंचा है कैसे गए और डील किसने कराई थी। तो जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक तेहरान ने पेजर की डील करवाई थी। ईरानी सांसद के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के मेंबर अहमद बख्शीश ने यह भी दावा किया है कि हिजबुल्ला लीडरशिप और उसके लड़ाके जो पेजर इस्तेमाल करते थे उसकी खरीद में तेहरान भी शामिल था। उन्होंने कहा कि ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने निश्चित रूप से हिजबुल्ला के पेजर खरीदने में भूमिका निभाई थी, इसीलिए हमारी खुफिया एजेंसियों को इस एंगल पर भी जांच करना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि बीते दिनों पेजर और वॉकी टॉकी में हुए ब्लास्ट में हिजबुल्ला के 35 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हो गई थी, 4000 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी भी हुए। लेकिन अब ये समझते हैं कि आखिर पेजर ब्लास्ट की थ्योरी सामने आई कैसे। तो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत में पेजर ब्लास्ट की थ्योरी लेबनान में धमाकों के ठीक बाद सामने आई। रईसी की निवर्तमान इराकी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अल हलबूसी के साथ मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस फोटो में रईसी की टेबल पर एक पेजर नजर आ रहा है। हालांकि यह अभी भी साफ नहीं है कि क्या रईसी उसी ब्रांड का पेजर इस्तेमाल करते थे जो हिजबुल्ला के लड़ाके करते थे, लेकिन अंदाजा यह लगाया जा रहा है, और यह अंदाजा लगाना मुश्किल भी नहीं है कि जब रईसी हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे तो पेजर उनके साथ ही होगा। वैसे आपको यह बताएं कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी थी। आइए आपको हम ये बताते हैं कि आधिकारिक रूप से जो जांच की गई उसमें क्या वजह इस दुर्घटना की सामने आई थी। दरअसल ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर 3 महीने पहले मई में क्रैश हुआ था, जिसमें उनकी जान चली गई थी, साथ ही 6 और लोग भी मारे गए थे। बाद में ईरानी एजेंसियों की जांच में यह सामने आया कि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे खराब मौसम जिम्मेदार था। ईरानी सशस्त्र बल के सुप्रीम बोर्ड ने जो फाइनल रिपोर्ट सौंपी है उसमें कहा गया कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना का मुख्य कारण घना कोहरा और खराब मौसम था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि रईसी के हेलीकॉप्टर की तकनीकी यानी टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक और नेविगेशन की जांच की गई थी और उसमें सब कुछ ठीक पाया गया था। आपको बता देते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी कट्टरपंथी थे। उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामनेई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। जब वो राष्ट्रपति थे तो रईसी की सरकार को अर्थव्यवस्था से लेकर महिलाओं के अधिकारों जैसे मामले पर कड़ा विरोध प्रदर्शन भी झेलना पड़ा था और वहां पर एक वर्ग उनकी तीखी आलोचना कर रहा था। खैर,
आगे बढ़ते हैं और अब आपको यह बताते हैं कि लेबनान में पेजर ब्लास्ट कैसे हुआ। पिछले हफ्ते लेबनान में जो पेजर और वॉकी टॉकी में लगातार ब्लास्ट हुए, उसके बाद इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि हिजबुल्ला ने ताइवान की एक कंपनी को 5,000 पेजर्स का ऑर्डर दिया था। इजरायली खुफिया एजेंसी को इसकी खबर भी लग गई थी। फिर उसने क्या किया, उसने पेजर के कंसाइनमेंट को ट्रैप किया और उसमें 3-3 ग्राम विस्फोटक लगा दिए गए। फिर एक कोडेड मैसेज के साथ एक ब्लास्ट किया गया। इसराइल ने ना तो इन हमलों की जिम्मेदारी ली और ना ही इसका खंडन किया। लेकिन सोचिए, जो पेजर सप्लाई हो रहे थे उनको ले लेना, उसमें ऐसी टेक्निक डालना कि वो और उसमें विस्फोटक डालना। उधर हिजबुल्ला ने कार्रवाई की और हाफिया के उत्तर और सैन्य सुविधाओं के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया और 150 रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दाग डाले इसराइल पर। इसके बाद इसराइल ने सोमवार को दक्षिणी लेबनान के निवासियों से घरों और अन्य इमारतों को तुरंत खाली करने को कहा। दावा है कि हिजबुल्ला यहीं अपने हथियार रखता है और इसीलिए इसराइल ने इन ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जबकि इसके पहले हिजबुल्ला इसराइल से इंतकाम लेने पर आमादा है ही। उसने रविवार सुबह उस पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट हमले दागे। खबर यह है कि शिया मिलिशिया ने यहूदी देश यानी कि इसराइल पर सुबह सुबह 300 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसमें 85 रॉकेट तो केवल आधे घंटे में इसराइल पर दागे गए। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर कुल 11 हमले किए हैं, जिनमें 6 बड़े हमले थे और इसमें 10 से लेकर 100 रॉकेट एक साथ दागे गए। इनमें से ज्यादातर रॉकेट जो हैं वो हाइफा और नहरिया शहर के सटे इलाकों पर दागे गए। हालांकि इजरायली सेना ने इनमें से ज्यादातर रॉकेट्स को मार गिराया ये दावा किया, लेकिन कुछ रॉकेट उत्तरी इजरायल के इलाके में गिरे हैं ये भी खबर आई। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये जो पूरी घटना हुई थी, क्या पेजर ब्लास्ट उसमें भी था? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रईसी की जो मौत है, क्या इस मामले की जांच एक बार फिर से इस एंगल से हो सकती है? वैसे लेबनान में बीते दिनों जो हुआ है उससे इस बात को बल तो मिलता है कि रईसी को भी शायद टारगेट किया गया, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि रईसी की जो तस्वीर सामने आई है उस तस्वीर में कहीं से भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुआ, जो हिजबुल्ला के लड़ाके जिस पेजर को इस्तेमाल करते थे, रईसी भी उसी पेजर को इस्तेमाल करते थे उसी कंपनी के, ये साफ नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी यह खबर सामने आने के बाद बहुत हड़कंप मच गया है और अगर इसमें कहीं पर भी 1% भी अगर इसमें कहीं गुंजाइश बनती है तो फिर यह मामला बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल का इस पूरे मामले पर खामोशी अख्तियार करना, यह आपको क्या बताता है? क्योंकि इसराइल कभी भी कोई हमला करता है तो साफ तौर पर उसकी जिम्मेदारी लेता नहीं है कि ये उसने करवाया है या उसकी तरफ से किया गया है या उसकी खुफिया एजेंसी की तरफ से अंजाम दिया गया है। हाल ही में लेबनान में जो कुछ किया उसके बाद इसराइल खामोश रहा। हमास के चीफ इस्माइल हनिये की जब हत्या की गई उसके बाद भी इसराइल खामोश था। और ये सब कहां हुआ था? ईरान की राजधानी में, और तब हुआ था जब नए राष्ट्रपति शपथ ले रहे थे, तब यह घटना अंजाम दी गई थी। आपकी राय आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। फिलहाल खबर में इतना।